हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है देवता की सीख। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पास एक महात्मा जी रहते थे। वह मंदिर के देवता की पूजा और आरती करते थे। माधव एक होनहार बच्चा था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। माधव कभी कभी महात्मा जी के पास चला जाता था। महात्मा जी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन माधव ने महात्मा जी से पूछा, बाबा क्या देवता सचमुच होते हैं? हाँ बेटा, महात्मा जी ने कहा। देवता क्यों क्या करते हैं? माधव ने पूछा। वह सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, महात्मा जी बोले। माधव देवता के साम मंदिर में गया और मन ही मन देवता से कुछ मांगा। उसे लगा देवता ने उसकी बात मान ली है। धीरे धीरे माधव खेल कूद पर अधिक ध्यान देने लगा। एक दिन माधव ने सपना देखा। देवता सामने खड़े थे। उन्होंने माधव से कहा, यह सही है कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, किंतु जो मेहनत करते हैं उन्हीं को देता हूँ, जो मेहनत नहीं करते उसे कुछ नहीं देता। यदि मैं बिना मेहनत करने वालों को देता रहा तो सब आलसी हो जाएंगे। तुम्हारा खेलने जाना तो ठीक है, परंतु पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दो। अगर पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दोगे तो दूसरे बच्चे तुमसे आगे निकल जाएंगे। नींद से जागने पर माधव ने महात्मा जी को अपने सपने के बारे में बताया। महात्मा जी ने कहा, देवता भी मेहनत करने वाले को ही देते हैं। माधव मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। परीक्षा फल आया तो वह अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आया। तो ये थी हमारी आज की कहानी देवता की सीख। तो यदि आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम इसी प्रकार अपनी अगली वीडियो की कहानी की ओर पढ़ते हैं। धन्यवाद आप सबका।